खबर रीवा जिले से है, जहां शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निराला नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्त एवं रोजगार युक्त समाज की रचना के लिए एक अभिनव पहल की गई। कार्यक्रम में कौशल विकास योजना अंतर्गत स्वावलंबी एवं महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु निःशुल्क सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन मौजूद रहे। कार्यक्रम में काफी संख्या में आसपास के लोग और बेरोजगार शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं आयोजित कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों ने क्या कहा है। दीपः ज्योति परम ब्रह्म, दीपः ज्योति जनार्दनम्, दीपमे हरत्वम्, दीपः ज्योति नमस्ते। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5 बिलियन अचानक बोल किया था, समझ में आता नहीं। हम आर्थिक व्यवस्था को टॉप लेवल तक ले जाना चाहते हैं, 5 बिलियन अकाउंट। तो इसमें सभी समाज के सभी समाज सभी वर्ग लोग सभी धर्म लोग, पिछड़े हो आगे हो पीछे हो, सबको जोड़ना है। एक एक हमारे लीडरशिप का काम है जो शासन प्रशासन दे रही है, तो इसमें आप लोग आगे आ रहे हैं, आप इसमें निश्चित ही सफल होंगे, ऐसा मुझे आशा है। जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, ये जो अपना पोटेंशियल है, जो संभावना लेके आती है, वो असीम रहती है, उसको उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बीज एक वृक्ष बनता है, वृक्ष महावृक्ष बनता है और महावृक्ष महावन बन जाता है, तो एक बीज में इतनी छोटी सी बीज में इतना ताकत रहता है, वो आपके अंदर जो ताकत है मुझे लगता है वो तो मालूम है। पूरी पूरी ताकत के साथ, पूरे अपने टैलेंट है, अपने रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है और अपना विल पावर आत्मबल से आप अगर ट्रेनिंग करेंगे, मुझे लगता है कि आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे। आपने सुना होगा तो मीरा भाई का नाम सुना होगा आपने, शायद नहीं सुना होगा। मीरा भाई चानू वो सिल्वर मेडल लाई है ओलंपिक में, कोई महिला है छोटी सी ना 20 साल के अंदर ही होगी। अभी वो लकड़ी जंगल जाके लकड़ी लाते, लकड़ी का गट्ठा 5 किलोमीटर जाके, तो उसको देख के लोग बोलते थे कि तो गांव की बहुत ताकतवर महिला है। तो किसी ने उनको सुझाव दिया कि क्यों ना वेट लिफ्टिंग करें, तो तब से वो वेट लिफ्टिंग करना चल गई। आप पूरे देश के लिए उतना सम्मान गौरव और ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडल अभी 2020 में जापान में जो हुआ था, तो महिलाओं का ताकत तो उसमें तो यही है। आज के स्पोर्ट्स में देख रहा हूँ, पीवी सिंधु जो भी हो बड़े बड़े नाम लेके आ रहे हैं। तो मैं पिछले जगह काम किया था, वहाँ देखा था एक हमारे तरफ से शासन प्रशासन तो अनेक अनेक कार्यक्रम करते रहते हैं। एक छोटा सा पहले एक अचानक मैं तो ऐसा लगता है कि सूरज को दीपक जलाया जैसा है। छोटी सी कार्यक्रम है, रिजल्ट सीमेंट का नाम में सीमेंट है, सीमेंट का मतलब जोड़ना, तो तुम्हारे साथ जो है समाज को जोड़ना, बॉन्डिंग करना और मजबूत, तो पीपल रूप जाते तो मजबूत हो हमेशा के लिए। तो ये काम का मुझे लगता है उनके हर भाव से पता चलता है कि ये एकदम मजबूत सिमेंटिक रूपस, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम के सर्विस में कार्यक्रम चलेगा। कैसे 3 महीने की बता रहे हैं और जल्दी भी हो सकता है। जो लड़कियां हैं वो उनको भी हम देंगे, जो बता रहे हैं 18 साल के नीचे है ऐसा, उनको भी हम अभी कलेक्टर साहब से मैंने डिस्कस किया है और उनको भी आप दे सकते हैं। अभी 25 लोग रजिस्टर किए और 25 लोग इन वेटिंग है, उनको भी हम 50 लोग तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल बेटे हैं, उनकी मैं और उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और ये परिसर दिया हमको। विशेषकर जो महिलाएं आई हैं, मैं उनसे एक
को देख के मुझे बहुत हर्ष हो रहा, गर्व भी हो रहा कि अनेक अनेकों कष्टों को और मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पटनियाओं को चुनौतियों को रोज रोज आप ज़्यादा समझते हैं, फेस करते हैं, उसको उसके मद्देनजर में ये जो आपको अवकाश मिला है, जो आपने अपना है, आपने हाथ किया है कि हम आप इसको इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये इस बार के मुझे गर्व हो रहा है। पुराने जो सोच है, पुराने जो आपकी आलोचना जो भी है, आपकी थॉट्स है, उसको आप छोड़ के अभी आज के दिन मुझे लगता है कि विशेष दिन है, ऐतिहासिक दिन होना चाहिए आपके लिए कि आपने आज पहला एक पहल आपने अपनाया है, उसके लिए भी मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ से की बात कहना चाहूंगा, हमारा जो देश है उड़ीसा के नेतृत्व में सरकार फैला रहता है कि हम लोग इस प्रकार से अपराध नियंत्रण के दौरान जो भी घर रखे कि कोई ऐसा वर्ग है इसको हम विशेष प्रयास करके अपराधों से दूर कर सकते हो। उस क्रम में एक चीज चल रहेगी कि जितने स्कूल कॉलेज है उस पर हम लोग जाकर बच्चों से बात करें, उनको चर्चा करें, उनसे संवाद करें, तो कम से कम हम लोग नशे के प्रवृत्ति होंगे और फिर अपराधों के प्रवृत्ति होंगे। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की है। घर में जब कोई महिला कोई बहन बेटे रोकती है नशे के लिए और अच्छे काम करने की बात करती है तो उसका प्रभाव और सकारात्मक पड़ता है। इस क्रम में हमको ये भी ध्यान है कि आप लोगों के साथ आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में आए उसको देखते हुए आप लोगों के कार्यक्रम रखा गया है, तो पुलिसिंग के साथ साथ हम लोग और समाज से कैसे बेहतर जुड़े, समाज को अपना उसका मानवीय चेहरा कैसे दिखाएं, इस क्रम में हम लोग आपको कहा जाए डिजिटल कैंसर को में सर की इच्छा है कि आप लोग इस काम का अधिकतम लाभ लें और पूरे मन से ये ट्रेनिंग कंप्लीट करें। उसके बाद आप लोग आपको उम्र होने के पश्चात कहीं ना कहीं आपका से आपका जो घर में अपने प्रभाव पड़ेगा तो आप अपने घर के पुरुष संपर्क को रोक सकेंगे, टोक सकेंगे, नशा करने से रोकेंगे और साथ ही साथ उनको हेलमेट लगाने के लिए भी आप टोक सकेंगे क्योंकि आपके पास कोई टाल नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है बच्चा उसको टोकता है तो उसके बच्चे का टोकना परिवार अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।